लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे सौभाग्य योजना, जो हमारा पार्ट वन का दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, इसमें और बेहतर तरीके से दिया गया है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कत थी तो मैंने दूसरा पार्ट बनाया है, और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग सौभाग्य योजना के बारे में। तो फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सौभाग्य योजना का जो पूरा नाम होता है सहज बिजली हर घर योजना। तो ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका उद्देश्य, लक्ष्य और इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं, और इस योजना के बारे में फिर से बात कर लेते हैं हम लोग, और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में 16,320 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया। योजना के माध्यम से सरकार 2018 के अंत तक सभी घरों को बिजली की आपूर्ति करेगी। यह योजना 31 दिसंबर 2018 तक हर घर को प्रकाश के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं, हम लोग थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पहला प्रमुख बिंदु है, यह सुविधा योजना 16,320 करोड़ रुपए के बजट से तैयार है, जिसमें फंडिंग का विभाजन निम्न अनुसार किया गया है। 60% भारत सरकार का अनुदान रहेगा, 10% उपयोगिता राज्य योगदान रहेगा, और 30% जो बच रहा है वह ऋण के रूप में रहेगा। ठीक है, दूसरा जो है इसका बिंदु, मुफ्त बिजली की पात्रता 2011 की जाति जनगणना और सामाजिक आर्थिक के आधार पर पहचान की जाएगी। ठीक है, तीसरा जो है इस स्कीम के अनुसार जो परिवार इसके मुफ्त बिजली के मानदंडों के तहत नहीं आएंगे, उन परिवारों को 500 रुपये की राशि पर बिजली प्रदान की जाएगी। यह 10 किस्तों में बिजली बिल के माध्यम से वसूल की जाएगी। ठीक है, सुविधा योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण करने के लिए एक मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। अगला बिंदु जो है, पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में जो परिवार रह रहे हैं और जहां बिजली पहुंचाना संभव नहीं है, वहां पर 200 से 300 वाट शिखर के सौर ऊर्जा पैक के साथ एक सौर पैनल दिया जाएगा। ठीक है, जिसके द्वारा वो 5 LED लाइट, 1 DC प्रशंसक, 1 DC पावर प्लग शामिल है जो इसे यूज चला सकते हैं। इसमें 5 वर्षों के लिए मरम्मत और रखरखाव भी शामिल है। ठीक है, योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका जो कार्यभार है वो देखेगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ठीक, तो उद्देश्य और लक्ष्य को देख लेते हैं सौभाग्य योजना के। यह योजना सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को अंतिम मील बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है इसका लक्ष्य। यह योजना विद्युत उपकरणों जैसे कि ट्रांसफार्मर, मीटर और तारों पर सब्सिडी प्रदान करेगी। तीसरा जो है, योजना का लक्ष्य सभी के लिए शक्ति प्राप्त करने के केंद्र के लक्ष्य को पुनः लागू करना है। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है, इस योजना का असर जो पड़ेगा उस पर देख लेते हैं। एक नंबर, प्रकाश उद्देश्यों के लिए मिट्टी के तेल की प्रतिस्थापन द्वारा पर्यावरण उन्नयन हो जाएगा इससे। दूसरा जो, शिक्षा में सुधार हो जाएगा। तीसरा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएंगी। चौथा जो है, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल आदि के माध्यम से बढ़ी हुई एक्टिविटी दर्शाएगी इसमें। और पांचवा जो है, बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों और नौकरियाँ इसमें बढ़ेंगी। ठीक है, जो अगला हमारा छठा, विशेष रूप से महिलाओं के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में।